घर पर सुने हर रोज नए गाने। अपनी तीसरी श्रृंखला सीजन 3 का आगाज शाम तेरी बंसी भजन से किया जा रहा है। शाम तेरी बंसी में क्या है सिकुन। श्रृंगार रस में रचित राधा और कृष्ण के इस भजन को पद्मश्री से सम्मानित भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के साथ मैं डॉक्टर पूजा दीवान प्रस्तुत कर रही हूँ। राधा ये बंसी है शिव का उपहार, राधा ये बंसी है शिव का उपहार। अनूप जी के साथ गाने को स्वरूप देना, उसे गाना, रियाज करना, रिकॉर्ड करना, शूट करना एक अनोखा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था, जो कि न केवल एक म्यूजिकल जर्नी थी बल्कि लाइफ लर्निंग स्किल से परिपूर्ण थी। शाम तेरी बंसी में क्या है ऐसे गुण। जी हाँ, बांसुरी के जो गुण हैं वो इस भजन में आपको सुनने को मिलेंगे। इसका संगीत केवल कुमार जी ने तैयार किया है, अशोक हमराही जी ने ये भजन लिखा है, मैंने और डॉक्टर पूजा दीवान ने इसको गाया है। पूजा जी ने जिस तरह के मुझे निर्देश दिए मैंने उसी तरह उसको रिकॉर्ड किया, शूट किया और आपके सामने ये वीडियो है, इसको देखें, इसका आनंद लें। और भगवान कृष्ण से यही हमारी प्रार्थना है कि इस रचना को घर घर पहुंचाएं और लोगों को आनंद मिले इससे। कवि अशोक हमराही जी और संगीतकार केवल कुमार जी को 200 गाने पूर्ण होने के अवसर पर मेरी तरफ से अनेक अनेक बधाई। इससे है जुड़े शब्द ध्वनि स्वर के तार, इससे है जुड़े शब्द ध्वनि स्वर के तार। और इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है राहुल हरित का, जिन्होंने इसमें म्यूजिक अरेंजमेंट किया, एडिटिंग की और भी इसको खूबसूरत बनाने के लिए वीडियो पे बहुत ध्यान दिया। तो मैं इस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस टीम के साथ काम करने का अवसर मिला है। आगे भविष्य में इंतजार रहेगा कब मुझे फिर इस टीम के साथ काम करने का अवसर मिले। इस भजन को सुनिए और इसका आनंद लीजिए। जल्द ही रिलीज होने वाले इस मीठे भावपूर्ण भजन की आइए सुनते देखते हैं कुछ झलकियाँ। शाम तेरी बंसी में क्या है सिकुन, सबके मन भाई क्यों इसकी प्यारी धुन। सबके मन भाई क्यों इसकी प्यारी धुन। राधा ये बंसी है शिव का उपहार, राधा ये बंसी है शिव का उपहार। इससे है जुड़े शब्द ध्वनि स्वर के तार, इससे है जुड़े शब्द ध्वनि स्वर के तार।